हेलो गाइस, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नया और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आया है, जो नोटिस है, उसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं। तो ये जो है CHSL 10+2 लेवल का है, जो 2020 का डिक्लेरेशन ऑफ रिवाइज रिजल्ट ऑफ टायर वन फॉर रिपेयरिंग इन टायर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो यहाँ पे जो है टायर वन का रिजल्ट जारी कर दिया गया है 10+2 वाला, और उसके लिए अब आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है टायर टू के लिए, तो उसी को लेकर की यह नोटिस है। तो देखते हैं कि यह नोटिस पूरा क्या कह रहा है। द रिजल्ट ऑफ टायर वन ऑफ CHSL 2020 वॉज डिक्लेयर्ड बाई द कमीशन ऑन 27/10/2021, वेर इन 45,429 कैंडिडेट्स वेर शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर इन टायर टू एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है इसका जो 27/10/2021 को रिजल्ट जारी कर दिया गया था, उसमें से 45,429 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो कि पेपर टू यानी कि अपीयरिंग इन टायर टू में होगा उनका। इसके बाद यहाँ पे हाउएवर इट हैज़ कमीशन टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट देयर वॉज फ्यू इरर्स इन फाइनल आंसर की ऑफ द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 10/8/2021 शिफ्ट 3/4/156 VH कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे जो है उसमें जो फाइनल आंसर की जारी किया गया था, जो कि 10/8/2021 यानी कि 10 अगस्त का जो शिफ्ट 3 में हुआ था, 156 हैंडीकैप कैंडिडेट्स लोग का, उसी को लेकर के यहाँ पर भी कुछ कहा गया है। और ऑन करेक्शन ऑफ दिस इरर्स द रिजल्ट ऑफ द सेड 156 कैंडिडेट्स हैज़ बीन रिवाइज्ड। द एबव रिविजन हैज ऑल्सो कॉज्ड वेरी माइनर चेंज इन नॉर्मलाइज्ड मार्क ऑफ अदर कैंडिडेट्स। देयर फॉर द रिजल्ट ऑफ टायर वन ऑफ CHSLE 2020 हैज बीन रिवाइज। तो यहाँ पे जो है 156 जो कैंडिडेट्स थे उन पर जो कुछ गलतियाँ थी उनको सुधार करके फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। और इसमें से जो भी है कैंडिडेट्स 156 यानी 156 कैंडिडेट्स था, उनको रिजल्ट को भी मिला करके रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और उसमें जो है वेरी माइनर चेंजेस हुआ है, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क हुआ था दूसरे कैंडिडेट्स लोग का, ये भी कहा गया। अब उसके बाद में जो है इसका नया से रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया गया। आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं द रिवाइज कट ऑफ मार्क्स एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर इन टायर टू ऑफ CHSL एग्जामिनेशन 2020 एज फॉलोज। तो यहाँ पे है रिवाइज आंसर की रिजल्ट जारी होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है टायर टू के लिए अपीयर हुए हैं उनको यहाँ पे कितना कितने मार्क्स से कट ऑफ दिया गया है, कैटेगरी दिया हुआ है, रिवाइज कट ऑफ मार्क्स दिया गया और कैंडिडेट्स अवेलेबल दे दिया गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से UR SC ST OBC EWS ESM OH HH VH PWD अदर्स दिया हुआ है। रिवाइज मार्क्स सबका आप देख सकते हैं, UR के लिए 141 से एबव है, SC के लिए 114 यानी कि 114 से ऊपर है, ST के लिए 108 यानी 108 है, OBC के लिए आप देख सकते हैं 139 से एबव है, EWS के लिए 117 है। आप यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, और इसमें से कैंडिडेट जो अवेलेबल है वो भी है, UR में है 8000 से यानी 8000 से ऊपर के हैं, SC में भी है लगभग 8500 से भी ऊपर के हैं, ST में है जो आप देख सकते हैं 3493 यानी कि 3493 कैंडिडेट्स हैं, और OBC में आप लोग देख सकते हैं कि 10,000 से भी ऊपर के कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 45,480 कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल देख लेना, सभी को मिला करके 45,000 से ऊपर के कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरे नंबर का कहते हैं बेस्ट ऑन द एबव एग्जामिनेशन एबव रिविजन 51 एडिशनल कैंडिडेट्स लिस्ट वन हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन टायर टू एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो है 51 एडिशनल कैंडिडेट्स जो कि लिस्ट वन में थे उनको भी शॉर्टलिस्ट किया गया है जो टायर टू एग्जामिनेशन के लिए। इसके बाद में चौथे नंबर पर रिवाइज मार्क ऑफ क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन फ्रॉम 14/1/2022 से 31/1/2022। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि रिवाइज मार्क्स है जो कि क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड में हैं उनका जो है मार्क्स को ऑफिशियल वेबसाइट में 14 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में आपको दिख जाएगा मार्क्स। एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस। यहाँ पे जो एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको डाउनलोड कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स में। द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रिजल्ट राइट अपडेटेड 27/10/2021 सेल रिमेन अनचेंज। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट का जो जारी हुआ था 27/10/2021 वाला वो अब अनचेंज होगा। आप अंडर सेक्रेटरी यहाँ पे देख सकते हैं 3/1/2022 यानी कि आज का ये अपडेट है। तो यह पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि CHSL 2020 को लेकर के यह नया रिजल्ट जारी किया गया। अब जो भी कैंडिडेट्स हैं वो टायर टू का एग्ज़ाम का तैयारी करना शुरू कर दें, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कटअप जो है नया वो आया है उसको भी बताया गया, साथ ही साथ में यहाँ पर जो है टायर टू का
कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है।